नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है बीकानेर दिल्ली सरायरोला एक्सप्रेस की। दोस्तों, इस ट्रेन को नई अपडेटेड समय सारणी के अनुसार तथा पुराने वास्तविक नंबर के अनुसार फिर से चलाया जा चुका है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 1245 एट बीकानेर दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह में हर दिन बीकानेर जंक्शन से दिल्ली के बीच चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उसके ट्रेवल टाइम की तो यह बीकानेर से दिल्ली के बीच 457 किलोमीटर की यात्रा लगभग 7 घंटे 25 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 12 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें ICF रेक श्रेणी के फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। दोस्तों, यह ट्रेन पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन है। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। तथा दोस्तों, इस ट्रेन का किराया 30% तक कम हो चुका है, यानी कि दोस्तों अभी इस ट्रेन को वास्तविक नंबर के साथ तथा पुराने किराए के अनुसार चलाया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें बीकानेर से दिल्ली सरायरोला के बीच भगत की कोठी लोको सेट का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों, बीकानेर दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बीकानेर जंक्शन से रात को 10:30 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है नापासर 10:52 पर पहुँचती है तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:54 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है सूडसर रात को 11:11 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:13 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है श्री डूंगरगढ़ 11:31 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:33 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है राजलदेसर 12:07 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है रतनगढ़ जंक्शन 12:30 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 12:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है चूरू जंक्शन 1:10 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 1:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है सादुलपुर जंक्शन रात को 2 बजे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है लोहारू जंक्शन 2:42 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:47 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है महेंद्रगढ़ 3:15 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है रेवाड़ी जंक्शन 4:17 पे तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 4:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है गुड़गांव सुबह 5:06 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुँचती है दिल्ली कैंट 5:23 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। तथा इसके बाद ये पहुँचती है दिल्ली सरायरोला सुबह 5:55 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।